खबर भोपाल से, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण का दम दिखाई देगा। आज महिलाओं के हाथ में प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था थामी जाएगी, तो वही सीएम शिवराज सिंह चौहान के कारकेट में सिर्फ महिला ही रहेंगी। सीएम की चालक, सुरक्षा, प्रेस अधिकारी महिला ही होंगी। बता दें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके चलते आज महिलाओं के हाथ में अलग अलग तरह की कमान सौंपी जाएगी। सीएम की चालक, सुरक्षा, प्रेस अधिकारी, इन सब के हाथ में कमान दी जाएगी। बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण का पूरा पूरा असर दिखाई देगा। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार भोपाल से लाइव जुड़े हैं। देखिए आज सीएम की चालक, सुरक्षा, प्रेस अधिकारी सब महिला होंगी, क्योंकि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्या कुछ जानकारी? मध्य प्रदेश के वीवीआईपी वन यानी मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा महिलाओं का, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी महिला, मुख्यमंत्री के जो वाहन चालक हैं वो महिला, ये जो दम है महिलाओं का आज राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। और पूरा जो काफिला है, जो पूरा कारकेट है सीएम का, वो महिलाएं संभालती हुई नजर आएंगी। एक संदेश है पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सशक्तिकरण हो चुका है, और न सिर्फ महिलाएं तमाम काम का संभालती, बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख व्यक्ति की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे सुरक्षा संबंधी हो, चाहे वाहन चलाने सवारी संबंधी हो, और चाहे उनके प्रेस रिलीज जारी करने की व्यवस्था हो, ये पूरी व्यवस्था आज महिलाओं के हाथ में रहेगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये पूरी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें, न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में, पूरे मध्य प्रदेश में जो यातायात व्यवस्था है वो आज महिलाओं के हाथ में रहेगी। ये फैसला गृह विभाग ने लिया है। और अभी हम सुबह से हलचल देखे सीएम हाउस की ओर, जिन महिला अफसरों को, जिन महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने अपने काम पर आ गई हैं, और अपने अपने काम पर उन्होंने संभालना शुरू कर दिया है। 9:30 बजे मुख्यमंत्री पौधारोपण करने स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचेंगे, और उस दौरान जो पूरा महिलाओं का काफिला है, जो कारकेट है, उसमें महिला अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी नजर आएंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो एक संदेश है मध्य प्रदेश, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि महिलाओं को वो जिम्मेदारियां जो देने से सरकारें कतराती थी, सुरक्षा संबंधी जो मामले हैं वो महिलाओं को देने से कतराए जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आज के दिन ये महिलाओं के लिए खास रहेगा। और जाहिर तौर पर है ये जो संदेश है, न सिर्फ ये सुरक्षा के लिहाज से, सरकारों के लिहाज से पूरे देश में संदेश देंगी, बल्कि महिलाओं को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण दिखाई देगा। राकेश जी, मेरे आगे भी हम आपसे लगातार खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।